चुलाना में सोनीपत लोकसभा सीट से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह चौटाला चुलाना पहुंचे, जहां पर जेजेपी प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला ने लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। चौटाला ने कहा कि जेजेपी पार्टी अपनी पार्टी है, छत्तीस बिरादरी की पार्टी है और लोकसभा में पहुंचने पर गरीब जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने विकास और नौकरियों में जो भेदभाव किए हैं, उस भेदभाव को खत्म करके बेरोजगारों को रोजगार देकर समान रूप से प्रदेश में विकास कार्य करवाकर हरियाणा को प्रगति की ओर ले जाने का काम जेजेपी पार्टी करेगी और यह तभी संभव है जब वे लोग उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। दिग्विजय सिंह का कहना है कि मेरी टक्कर में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो जातिगत जहर फैलाकर वोट मांग रहे हैं, बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। पहली कलम से रोजगार मेरा अधिकार योजना चालू करेंगे, हर घर में हर नौजवान को रोजगार देंगे। सवाल पूछे जाने पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सब कैंडिडेट हैं, प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ते हैं तो सारे कैंडिडेट होते हैं और कैंडिडेट के तौर पर जनता का विश्वास जीतते हैं। बहुत बढ़िया माहौल है जुलाना हल्के के अंदर। मैं ये मानता हूँ कि 50-60 हजार की लीड जो है किले जुलाना हल्के से हम लेकर के चलेंगे और पूरे जींद जिले में बहुत बढ़िया माहौल है, सोनीपत में बहुत बढ़िया माहौल है। इस बार ये सीट लाखों मतों से जेजेपी और आम आदमी पार्टी जीत करके, टक्कर में तो सत्ता में बैठे लोग हैं जो जातिगत जहर फैला करके वोट हथियाना चाहते हैं, बट लोग उनके बहकावे में आने वाले नहीं। हमने कहा 1.5 लाख रोजगार खाली है और पहली कलम से रोजगार मेरा अधिकार योजना चालू करेंगे, हर नौजवान तक घर घर तक रोजगार पहुंचाने का काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, जब चुनाव लड़ते हैं तो सारे कैंडिडेट होते हैं और कैंडिडेट के तौर पर जनता से विश्वास जीतते हैं। आज मुझे उम्मीद है कि सोनीपत की और जींद की महान जनता जो है इस इलाके में राजनीतिक चौधर लाने के लिए और यहाँ के सारे काम हो, डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेसिव तौर पर यह क्षेत्र आगे बढ़े, मेरा साथ देगी। इनको पहले आजमा चुकी है, ये मौका एक नौजवान को देगी जिससे मैं ऊर्जा से पार्लियामेंट में जाकर लूँगा।